अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एथर और जो मेरी आज की वीडियो है वो डायमंड डक के हवाले से डिटेल से आपको डायमंड डक के हवाले से बताएंगे। डायमंड डक इस वक्त जो है वो मार्केट में एक अच्छे सेल होने वाला बर्ड्स में से है। इस वक्त जाल के जो प्राइस हैं वो 1100 रुपये हैं और जो ओपन मार्केट में इसके प्राइस हैं वो तकरीबन जो है वो 1500 से लेके 1800, जिस तरह की बर्ड्स हों उस तरह के जो आपको प्राइस मिल रहे होगा। अच्छा, इसमें जो मेल और फीमेल की पहचान होती है वो आँख के रिंग से पहचान होती है। फीमेल का जो आँख का रिंग होता है वो लाइट होता है और मेल का जो है वो डार्क होता है। और सेकंड पहचान इसकी कबूतर की तरह होती है, इसकी जो वैन के नीचे हड्डी होती है उसमें जो गैप होता है वो फीमेल होती है, जिससे गैप नहीं होता वो मेल होता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपसे शेयर करेंगे कि इसके जो ब्रीडिंग सर्कल होता है वो 14 डेज़ का होता है। 14 दिन में जो है वो अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं और 14 डेज 14 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो है वो बच्चे खुद ही खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेल्फ डाइट पे आ जाते हैं। तो इसका एक ब्रीडिंग सर्कल जो है वो बाजार पास होता है, एक महीने के अंदर एक दूसरी दफ़ा ये अंडे दे देती है। लास्ट शुरू मंद अगर अंडे दे रही है तो आखिर के महीने के बिल्कुल आखिरी डेज़ में भी दोबारा अंडे ये दे देती हैं। तो इसी लिहाज से जो है डब का जो है ब्रीडिंग सर्कल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी जो ब्रीडिंग एज है तकरीबन जो है 5 साल प्लस जो है ये ब्रीडिंग करती है केज के अंदर। और जो इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट शुरू होती है 5 महीने प्लस, 5 महीने जो है इससे बड़ी अगर अडल्ट हो जाएगा मेल और फीमेल तो ये ब्रीड पे आएगा। ये कॉलोनी में भी रह सकता है बर्ड्स, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है सिंगल केज। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो ये सिंगल केज ज़्यादा बेहतर होता है। सिंगल केज में ये होता है कि आपको प्रोग्रेस पता चल रही होती है कि मेल फीमेल जो है वो कौन से जो है वो सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। कॉलोनी में ये होता है कि अगर 10 फीमेल हैं और 10 मेल हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि 2 फीमेल जो है वो 1 मेल के साथ जो है वो 1 नेस्टिंग में बैठ रही होती हैं, तो इसलिए जो है इसको अच्छा नहीं कहा जाता। सिंगल केज की जो इसकी साइज़ होना चाहिए मिनिमम वो 18x18 इंच जो है वो होना चाहिए, 1.5x1.5x1.5। और अगर आप दूसरा केज जैसे कि बजरी वाला केज रखते हैं, 1 फुट उसकी डीप होती है, 2 फुट उसका फ्रंट होता है और हाइट जो है वो 15 इंच होती है, तो ये भी बेहतरीन होता है। इसका जो साइज़ है केज का बहुत बेहतरीन साइज़ होता है। और बॉक्स बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, अच्छा बॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा पास रूल्स नहीं है कि आप सिर्फ जाली का ही लगाएं, आप लकड़ी का लगा सकते हैं, प्लास्टिक का बर्तन लगा सकते हैं, फीडिंग बॉक्स लगा सकते हैं इसके अंदर। इसका साइज़ जो होना चाहिए वो 4x6 का मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि अगर इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो अगर ये नेस्टिंग अगर आप सही से दे रहे हैं और अगर कम नेस्टिंग है तो अंडे इधर से इधर होते हैं, अगर नेस्टिंग ठीक है तो इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बड़े की। और जो जाली होती है 6x6 की गोल जाली वो भी बेहतर होती है। इसको नेस्टिंग के अंदर जो है वो सूखी घास जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सूखी घास मैंने डाली हुई है, बेहतरीन नेस्टिंग करते हैं ये। और अच्छा, मेल और फीमेल में अक्सर इसमें अट्रैक्शन जो है वो मेल जो है वो धूम खुला के जो है वो आवाज़ करता है तो वो मेल होता है, और जो अपनी जब ये मीटिंग की तरफ आ रहा होता है मेल फीमेल को लेके तो ये धूम अपनी खुला के जो है वो आवाज़ करता है, ठीक है जी। और ये कुलिया के अंदर बहुत सारे दोस्त यहाँ पर इशू आता है कि कुलिया के अंदर ये या हंडी के अंदर या बॉक्स के अंदर ये नहीं करते, नेस्टिंग नहीं बनाते, ये ओपन नेस्टिंग बनाते हैं, बिल्कुल खुली जगह में जो है वो नेस्टिंग बनाते हैं। आप सीधा एक जाल या एक लकड़ी या एक बॉक्स रख दें तो ये जो है वो इसमें नेस्टिंग बनाएगा, घास से नेस्टिंग बनाएगा और जो फीड अंडे दे देगा। अच्छा जी, इसमें एक बहुत सारे दोस्त यहाँ पर एक हैरत होगी कि ये साल में कितनी ब्रीड करते हैं। साल के अंदर जो है ये 10 से लेकर 12 ब्रीड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है, इसको अगर रखा जाए तो 14 दफ़ा इसके ब्रीड ले सकते हैं। उसका ये होता है कि आप इसका जो कभी कभार ऐसा होता है ये 2 अंडे देती है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक बच्चा निकलता है और एक नहीं निकलता, तो अक्सर दोस्त जो फार्मिंग बेहतरीन तरीके से करते हैं तो उस बच्चे को वो पहले दिन के बच्चे को हटा के जो है वो किसी और के नीचे रख देते हैं। ये 3 बच्चे तक ये पाल लेती हैं, 3 से ज़्यादा इसको बच्चे नहीं रखना चाहिए, हेल्दी 3 बच्चे रहते हैं, पालतू चाल भी देती हैं, 3 बच्चे से ज़्यादा जो है इसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसा बर्ड है जिसके अंदर जो है वो बैलेंसिंग नहीं होती है, बैलेंसिंग इसके अंदर नहीं की जाती। बैलेंसिंग से मुराद अगर जैसे कि कॉमन बजरी में स्पेशली सबसे ज़्यादा बजरी में होती है, लवबर्ड्स में होती है कि उसमें 5-6 अंडे देते हैं या बजरी जो है वो 9-10 अंडे देते हैं, तो आखिरी वाला जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको उठा के हम किसी और जगह पर रखते हैं और सारे एक साइज़ के बच्चे जो है वो एक जगह पर रखते हैं। लेकिन डफ में ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही अंडे देती हैं ज़्यादातर, एवरेज जो है इनकी 2 की है, वरना जो मैक्सिमम जो है वो 3 अंडे देती है और मिनिमम जो है वो 1 अंडा देती है, तो एवरेज जो है इनकी 2 की होती है, तो 2 अंडे भी इस तरह से देती है, 1 दिन के बाद 1 अंडा देती है, तो 24 घंटे के अंदर दूसरा अंडा दे देती है, तो दूसरे दिन ही बच्चा निकल जाता है। तो बच्चों में इसकी जो एज में और साइज़ में फ़र्क नहीं होता, तो इसलिए जो है इसके अंदर बैलेंसिंग नहीं करते। अब बैलेंसिंग हम इस सूरत में करते हैं जब एक ही अंडा दे या एक ही बच्चा निकाले या 2 अंडे या 3 अंडे दे, बच्चा 1 निकले, तो उस बच्चे को उठा के हम जो है वो किसी और के नीचे रख देते हैं, 2 या 3 बच्चे रख देते हैं,
तो वो क्या होता है, वो अंडा पियर फ्री हो जाता है, वो 7 दिन के अंदर अंदर वो दूसरे अंडे दे देता है और दूसरी ब्रीडिंग के लिए वो तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके ना फीड के अंदर जो है वो इसको ज़रूरी जो चीज़ बहुत सारे दोस्त इसको अवॉइड करते हैं, फीड के अंदर जो है वो समुंदरी जहाज ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, इनकी चोंच बहुत हार्ड होती है। आप साबुत लगा दें, बहुत सारे दोस्त पीसे करते हैं, पीस के नहीं आप साबुत लगा दें, पीसने से जो है वो ज़ाया करती हैं। असल में इनकी एक आदत होती है, जिस तरह से जो मुर्गियाँ खोदती हैं इस तरह से जो है ये इसको बाजरे को और समुंदरी जहाज को खोद के सारा गिरा देती हैं अपनी चोंच से। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इसको समुद्री झाग जो है साबुत लगाएं, बाजरा जो है वो ऐसे कोर्ट में लगाएं इसके ऊपर जाली लगी हो, वरना ये सारा जो है बाजरा उड़ा देती हैं। धूप का इस्तेमाल जिस इसमें जो बर्ड जैसा धूप का इस्तेमाल इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये गर्मियों में ज़्यादा ब्रीडिंग करता है, ये 12 महीने वैसे ब्रीडिंग करता है लेकिन गर्मियों के अंदर इसका एवरेज ज़्यादा होती है, और इसकी शाइनिंग और इसके जो बच्चों का कलर जल्दी होता है साफ वो धूप की वजह से होता है। कोशिश ये करें कि आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 4 घंटे की धूप लगे, और धूप ऐसी लगे कि दोपहर 2 बजे के बाद की धूप लगे और शाम मगरिब तक जो है इसको धूप लगती रहे। डायरेक्ट भी अगर धूप मौसम टेम्परेचर अगर 28 पे है तो डायरेक्ट धूप लगे भी तो इशू नहीं है, इस बर्ड्स को धूप से कोई इशू नहीं होता, इसको सर्दी में डायरेक्ट हवा लगने से जो ये फूल जाती हैं, तो जब सर्दियाँ हो तो इसको ढक देना चाहिए, धूप लगे लेकिन ये ढक जाए, रात के टाइम पर ऐसी ढके या दिन में भी अगर हवा आ रही है तो इसको हवा इसकी रुके और धूप इसको लगना चाहिए। ठीक है जी, ये है एक डव के बारे में, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को मिल गई होगी। और इस वक्त जो है वो बाजरे के हवाले से हम बात कर लें, तो बाजरे में जो है वो मोटा बाजरा, किनहरी सीड, लाल कंगनी और मोटी कंगनी, और बहुत सारे दोस्त इसको जिस तरह मोटी कंगनी के ऊपर भी रखते हैं सॉफ्ट फूड में, ये सॉफ्ट फूड के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्ट फूड खाती है, ये सारे सॉफ्ट फूड इसको डालते हैं, फ्रूट्स भी खाती है, ये वेजिटेबल भी खाती हैं, तो इसको हम लोग फाइन चॉप बिल्कुल बारीक चॉप करके। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, पी एम अल्लाह।